हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दिल में अब आपके लिए क्या चल रहा है। प्यार चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी चल रही है, ये चीजें देखेंगे। ठीक है गाइस, जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। उसके अलग ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। एनर्जीज कुछ लेवल पे वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल में अब आपके लिए क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। उनके लिए गाइड कीजिए। पेशेंस, मॉरलिटी, फ्लावरिंग, सक्सेस, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में। अवेयरनेस, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त में उनको लेकर। कॉम्प्रोमाइज, क्या बात है भाई। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं नंबर्स की बात करूं तो मुझे यहाँ पर 6 और 7, ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और मंथ वाइज बात करूं तो आपका जून और जुलाई मंथ किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। जैसे हो सकता है आपका रिश्ता 6 साल का, 7 साल का था, उसमें 6 महीने से, 7 महीने से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या जून या जुलाई मंथ में आपका बर्थ मंथ, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, आप लोग इन मंथ्स में मिले थे, आप लोग इन मंथ्स में बिछड़े थे, इस मंथ में आप लोगों के बीच में कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी, आपको अपने पर्सन का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लगने लगा था, उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, तो इस तरह से ये नंबर्स और ये मंथ आपसे रिलेट करते होंगे। देखो गाइस, हमारा सवाल था कि इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, प्यार या नाराजगी या गुस्सा। तो यहाँ पर मुझे गुस्से वाली एनर्जीज तो ऐसी कोई नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा पेशेंस कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ अब क्या हो रहा है ना, ये जो आपका अभी तक इंतजार कर रहे थे, शायद ये चाह रहे थे कि आप इनके साथ किसी चीज को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज करो, इनके अकॉर्डिंग चलो, जिसमें ये 1% भी कॉम्प्रोमाइज ना करे और जो भी 99% या 100% कॉम्प्रोमाइज है वो आप करो। शायद आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन चल रही थी, तो ये आपके तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसीलिए ये अब इंतजार करते करते बहुत ज्यादा थकते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर का क्या था ना, ये आपके मामले में पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, आप ना इनके लिए मरे जाओगे, आप ना कॉम्प्रोमाइज करके इनके हिसाब से ही इनके पास आओगे, इनका ये सोचना था। लेकिन अब इनका वही कॉन्फिडेंस, वही मॉरल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने एक्चुअली में ऐसा नहीं करा। यानी कि आपके सामने कोई कंडीशंस रखी थी और ये आपको दिखा जरूर रहे होंगे कि ये आपसे नाराज हैं, क्योंकि ये अपनी कंडीशंस आपसे मनवाना चाह रहे थे, लेकिन आपने नहीं मानी। तो अब इनका वही पेशेंस लेवल खोता जा रहा है, वही कॉन्फिडेंस इनका धीरे धीरे डगमगा रहा है, ये चीजें दिख रही हैं इन्हें ना। अब ऐसा लग रहा है कि यार आप तो ऐसे थे नहीं, आप तो मतलब इस टाइप के थे कि इनके पास आने के लिए आप कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। यानी कि अब ये आपको देख रहे हैं कि भाई पहले तो आप ऐसे थे कि सिर्फ देने में बिलीव करते थे, इनके लिए कुछ भी कर गुजरने में बिलीव करते थे, इन्हें बस प्यार देना चाहते थे, इनका बस साथ रहना चाहते थे, इनको साथ देना चाहते थे और आपको बस इन्हें ही ये चाहिए थे, इन पे आप सफलता पाना चाहते थे, आपका ऐसा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आप में एकदम से सडनली क्या चेंज आया, ये उन मामलों के प्रति बहुत ज्यादा क्यूरियसिटी रख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अवेयर होना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्हें उस मामले में ना ये हो रहा है कि क्या चीजें ऐसी हुई, जितने टाइम में आप लोग अलग हुए उस समय पे ऐसा क्या हुआ, उन चीजों के प्रति काफी ज्यादा अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर काफी नजरें बनाए हुए हैं, आपके लिए देख रहे हैं, आप कर क्या रहे हो, कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है,
और उसका कारण भी ये है क्योंकि ये खुद से अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, खुद से अब आपको कॉम्प्रोमाइज जो नहीं कर रहे थे आपकी तरफ से चाह रहे थे वो कॉम्प्रोमाइज करवाना चाह रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो ये उन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर होते हुए और आपका दिल जीतते हुए आपको वही पहले जैसे जो आप थे ना वही अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, वो एनर्जीज ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है गाइस कि ये आपसे पहले भले नाराज हो, आपसे भले पहले गुस्सा हो क्योंकि ये आपसे अपनी बात मनवाना चाह रहे थे, लेकिन अब इनके दिल में ना आपके प्रति क्यूरियोसिटी है, ये ज्यादा दिखाई दी है, ये एनर्जीज मुझे ज्यादा दिखाई दी है। और क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, पेशेंस और मॉरालिटी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए इनका ये पेशेंस और इनकी ये कॉन्फिडेंस क्यों डगमगा रहा है, इसको और क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए इनका ये पेशेंस और कॉन्फिडेंस, इनका ये मॉरल क्यों डाउन होता जा रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1 2 3 4 सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द चैरियट फिर से आया है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो यहाँ पे आया है गाइस कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, ये भी कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है और ये भी इनफैक्ट कैंसर ही एनर्जी है। तो यहाँ पे कैंसर की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज यहाँ पर आई है। देखो इनके साथ क्या हुआ है ना, एक्चुअली भी जब आप इनके साथ थे तो इन्हें ये चीजें पता थी कि इनके पास सब चीजें हैं, जो भी एक इंसान अपनी लाइफ में लाना चाहता है, जो भी जिस भी चीजों की इच्छा रखता है अपनी लाइफ में लेकर आने की, वो चीजें इनके पास थी आपके होने की वजह से। एक स्टेबिलिटी थी, इनकी विशेष फुलफिल होती थी, इन्हें हर चीज में सफलता मिलती थी, ये चीजों का इन्हें पता है। इसी वजह से ना ये आपके जब आप इनकी लाइफ में थे ना वो एग्जिस्टेंस जो आपकी इनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस थी ना उन चीजों को याद कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे उन चीजों को ये जब याद करते हैं ना वो चीजें अब इनकी तरफ बढ़ नहीं रही हैं, इनके चाहने के बावजूद इनकी तरफ कोई मूवमेंट लेकर नहीं आ रही है। इसी वजह से अपना पेशेंस खो रहे हैं, इसी वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं कि इन्होंने क्योंकि एक्चुअली में ऐसा एक्सपेक्ट करा नहीं था, ये हमेशा यही सोचते थे कि आप डेफिनेटली इनकी तरफ बढ़ोगे क्योंकि आप इनसे बेहद प्यार करते हो, एक्सेस में प्यार करते हो, इतना शायद इनसे किसी और ने प्यार नहीं करा होगा जितना आपने इन्हें प्यार करा है। इसी वजह से ना ये बहुत ढीले हुए बैठे थे, कोई मूवमेंट नहीं ले रहे थे, कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, इसी वजह से क्योंकि इन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके जस्ट पलट हुआ, इसीलिए अपना पेशेंस और अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। ओवरऑल बोलूं तो ये चीजें इन्होंने आपके लिए खोदी थी, यानी कि गड्ढा आपके लिए खोदा था लेकिन गिर ये खुद गए। यहाँ पर पेशेंस आपको खोना था, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका लूज होना था, लेकिन नहीं, जस्ट अपोजिट हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, फ्लावरिंग और सक्सेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए ये मेरे व्यूअर्स के मामले में किस तरह की सफलता पाना चाहते हैं, किस तरह का ये मूवमेंट चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए किस तरह की सफलता, किस तरह का ये मूवमेंट चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1 2 3 4 द टावर, नाइट ऑफ बॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड फाइव ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आया है एरीज लियोन सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि कैप्रिकॉन एनर्जी और यहाँ पे आपकी आई है एरीज एनर्जी। ठीक है, तो गाइस देखो ये बेसिकली ना मुझे यहाँ पे पहली चीज तो आप लोगों के बीच में दूरियां दिखाई दे रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या कंट्री वाइज, सिटी वाइज, विलेज वाइज आप लोग अलग अलग जगहों पे रहते हो। तो बेसिकली ये क्या था ना आपके पार्टनर का, ये था कि जब ये आपकी लाइफ से गए तो आप ऑब्वियसली पूरी तरह से हिल गए होंगे, आपकी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई होगी। ये यही चाहते थे, ये आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाना चाहते थे, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, ये चीजें दिख रही हैं। लेकिन यानी कि ओवरऑल आप पर इस तरह की सफलता चाहते थे कि आप इनके सिवा किसी और को ना देखो, इनके बिना आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओ, बहुत परेशान रहो और जो ये आपसे करवाना चाहते हैं, जितना ये आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी आ रहे हैं आपकी लाइफ में,
सभी ये जा रहे हैं आपकी लाइफ से, तो आप इन चीजों से डिस्टर्ब हो, ये चाहते हैं, क्योंकि जब ये आपके साथ ऐसा करेंगे तो आप जो ये कहेंगे आप उसी हिसाब से करोगे, ताकि ये आपकी लाइफ में बने रहे। ठीक है, ऑब्वियसली आप करोगे भी कि भाई ये बार बार जा रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि जो ये बोलते हैं मैं अब नेक्स्ट टाइम से वही करूंगी या करूंगा, ताकि ये फिर से आपकी लाइफ से ना जाए। तो इन्होंने यही चीजें तरीका आजमाया आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि ये ना आप पर सक्सेस तो पाना चाहते थे, लेकिन सक्सेस पाने के साथ साथ आप पर ये कंट्रोल भी करना चाहते थे, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ ना, इसीलिए अब इनके दिमाग में खुद के बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इन्होंने पूरा सब सोचा समझा था, सब चीजों को बहुत अच्छे से करा था, प्लानिंग प्लॉट करी थी, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये तो टावर मोमेंट इनके लाइफ में आ गया, इनकी सोच पूरी तरह से झंझर गई है, इनकी सोच में अब तूफान चल रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको अपनी कदर समझाना चाहते थे, बट हुआ ऐसा, इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है, जो आप इनकी लाइफ में रखते थे, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में गाइस बहुत ज्यादा बिटर ट्रुथ आया है, बहुत ज्यादा कड़वा सच यहाँ पे आया है। आई डोंट नो आज ये रीडिंग कितनों से रेजोनेट करेगी। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर रहे थे, फर्स्ट वन इज पेज ऑफ सोर्स, फाइव पेज यूनिवर्स, बताइए किन चीजों के प्रति कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, किन चीजों के प्रति अवेयर होना चाहते हैं। गाइड पेज यूनिवर्स, टू थ्री फोर और फाइव निकालती हूँ, वो पहले से गिर गया था, मैंने उसको ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आया है एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, दो दो किंग्स की एनर्जीज है यहाँ पे, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। शायद आपके पर्सन पहली चीज तो बहुत ज्यादा फैमिली को लेकर डिवोटेड हैं, और इन्होंने आपको ना जब आपसे ये अलग हो रहे थे या आपसे ये जो कॉम्प्रोमाइज करवाना चाह रहे थे या चलाना चाह रहे थे अपने हिसाब से, ये फैमिली को लेकर ज्यादा चलवाना चाह रहे थे आपको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आपने इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, ये चीजें दिख रही है। आपके पर्सन ये जो है अवेयर जो हो रहे हैं इस मामले में, हो रहे हैं कि ये फसाना आपको चाह रहे थे, स्टक आपको रखना चाह रहे थे, लेकिन अभी की डेट में, करंट की डेट में ये स्टक हुए हुए हैं। इन्हें नहीं पता चल रहा है कि अब ये कहाँ जाएं, आगे बढ़े पीछे बढ़े, इन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि इन्हें आपके मामले में किसी तरह की कोई क्लियरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में। उसका कारण ये है, आपने इनसे खुद से कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिया, इनकी तरह बढ़ना बंद कर दिया, तो इन्हें खुद क्लियरिटी नहीं है आपके मामले में कि आप क्या चाहते हो अब रिश्ते में। ठीक है, इनके साथ रहना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, बढ़ना है, कुछ नहीं पता इन्हें, ये इन्हें क्लियरिटी नहीं है ना, इसीलिए आपको स्पाई कर रहे हैं विद दिस पेज ऑफ सोर्स कार्ड। ठीक है, आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, जो भी है, लेकिन ये आपको स्पाई कर रहे हैं इसी वजह से, आपके मामले में क्लियरिटी लेकर आने के लिए कि आपको इस रिश्ते में क्या करना है। ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाउट भी है दो चीजों का। पहली चीज, या तो आप अपने पैसों पे काम कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पे, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो, और आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है। ठीक है, यानी कि आप एक स्टेबल पर्सन हो गए हो, जो कभी आप इनके साथ रहते थे, आपका इनके साथ रहने के बाद इनके पास भी वो स्टेबिलिटी थी। तो पहली चीज, इन्हें ये डाउट हो रहा है, इसीलिए आपको स्पाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, इन्हें ये डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, किसी न्यू पर्सन की ऑलरेडी एंट्री हो गई है, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, शायद वो गवर्नमेंट जॉब में है, शायद मतलब बहुत अच्छा पैसा है उस पर्सन के पास, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा लेवल पे है वो पर्सन। तो इन्हें दो चीजों का डाउट हो रहा है आपके प्रति, जिस चीजों का ना इन्हें क्लियरिटी नहीं है कि क्या है, इन दोनों में से क्या वजह है आपके दिल में, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से बहुत ज्यादा छानबीन कर रहे हैं, इन चीजों के प्रति अवेयर होना चाह रहे हैं, इन चीजों के प्रति आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना चाह रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। तो देखो गाइस, सवाल था कि ये इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, इनके दिल में आपके लिए चल रहा है कि आप इस रिश्ते में आना चाहते भी हो अब या नहीं, ये चल रहा है। ठीक है, गुस्सा नाराजगी या प्यार तो साइड में रह गया, यहाँ पर तो
चीजें ही बदल गई हैं, ये चीजें दिख रही हैं, यानी कि ये चीजें ना इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ऐसा यहाँ पे हुआ है। इनफैक्ट मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा होगा, ऐसे कार्ड्स आएंगे यहाँ पर, ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंट रीडिंग आई है, चलिए देख लेते हैं मूनोलॉजी से आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा है, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है इस मामले में डेस्टिनी आपसे क्या कहना चाहती है। दो कार्ड्स खुल गए। होल्ड योर विजन, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। देखो गाइस, पहली चीज तो आपसे बोली जा रही है, जो विजन, जो सपना आपने अपने दिल में रख रखा है अपने पार्टनर को लेकर, उसे आपको रखे रहना है, ठीक है। उसका कारण ये है कि वो तभी आपके लाइफ में आएगा, वो फुलफिल तभी होगा जब आप उसे अच्छे से विजुलाइज करते रहोगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली जा रही है कि आपके रिश्ते में ना कॉम्प्रोमाइज जरूरी है, लेकिन ऑब्वियसली एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। आपके पार्टनर हमेशा से यही चाहते थे कि इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज आप करो, वो नहीं। लेकिन अगर इस रिश्ते में एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज आता है, तभी आपको इस रिश्ते में बढ़ना है, अदरवाइज ये रिश्ते में आपको इस पर्सन से अलग हो जाना है, ऐसा आपको गाइडेंस भी दी जा रही है। पर्सनल इश्यूज रिचेस रिजोल्यूशंस, जो भी ये पर्सनल इश्यूज आप लोगों का चल रहा है ना, एक दूसरे को कंट्रोल करने का, एक दूसरे पे अपनी अथॉरिटी जमाने का, वो सारे इश्यूज ना आपके रिजोल्व हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, ये जो भी सिचुएशन आई है उस मामले में। आप क्या कहना चाहते हो इस सिचुएशन के बारे में। नो नीड टू वरी, आपसे बोला जा रहा है आपको परेशान नहीं होना है, जो भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है इसीलिए, ठीक है। ट्रस्ट, आपको विश्वास इस चीज पे भी रखना है कि भाई ये जो भी होगा ना मेरे अच्छे के लिए होगा, चाहे ये पर्सन मेरी लाइफ में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, जो भी है मेरे भले के लिए हो रहा है। अगर एक पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहा है, आपसे ही कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रहा है, अपने आप से कोई एफर्ट नहीं करना चाह रहा है, तो भी आपके लिए भले के लिए हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स उसे स्टक करके उसे उसका लेसन सिखा रहे हैं कि किसी को कंट्रोल नहीं करा जा सकता, ठीक है। इट्स अप टू यू, यानी कि आपका नजरिया अलग होगा तो आप चीजों को समझ पाओगे। अगर आपका नजरिया ठीक नहीं होगा, आप हमेशा डिप्रेस्ड एनर्जी में देखते रहोगे, तो ऑब्वियसली आप नहीं समझ पाओगे इन चीजों को। मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर्स, आपको मेडिटेशंस करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप ना समझो कि आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है या आपके नुकसान के लिए हुआ। रोमांस एंजल से और देखते हैं आप लोगों के बीच के ये जो भी सिचुएशन है उस मामले में। वेरी सून Clearly decide what you want to so that it comes to you now. तो आपसे बोला जा रहा है आपको बहुत जल्द एक decision लेना पड़ सकता है कि आप क्या चाहते हो इस person से, इसका साथ चाहते हो या इससे अलग होना चाहते हो। तो आप पहले से decide कर लो, क्योंकि बहुत जल्द आपको कोई decision यहाँ पर लेना पड़ सकता है, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है। It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest level of all. तो आपसे बोला जा रहा है guys, आपने ना क्या कर रखा है इस person के इंतजार में ना, अपने heart चक्रा को block कर रखा है, अपने emotions को block कर रखा है, किसी को भी entry नहीं दे रहे हो आप, जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अपने heart चक्रा को इस blockages वाली energy से निकालो, आपको हक है प्यार करने का, प्यार देने का और प्यार प्राप्त करने का, रिसीव करने का, तो इस चीज के भी आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। देखो गाइस, आप ये जो वेट कर रहे हो ना अपने पर्सन का, यहाँ पे भी जैसे आपसे बोला जा रहा है ट्रस्ट करो, विश्वास करो, तो आपको ना बहुत जल्द इस चीज का रियलाइज होगा कि हाँ मेरा वेट करना ना बेकार नहीं गया, मैंने इस पर्सन का वेट करा तो ये यूजलेस नहीं गया, आपको ऐसा फील होगा। क्योंकि ये पर्सन बेसिकली जिसकी भी ये रीडिंग आई है वो आप पे कंट्रोल करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ रहा है कि दोनों को एडजस्टमेंट जरूरी है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई आपने जो वेट करा इस पर्सन का वो वेस्टेज नहीं गया है आपका, ठीक है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो इस चीज को लेकर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं
एनर्जी ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज हेवनली एंजल्स, गाइड कीजिए, बताइए। डोर टू वैल्यू, एप्रिसिएशन स्ट्रेटजीज। देखिए गाइस, आपसे बोला जा रहा है पहली चीज तो अपनी कदर करना सीखिए, अपने आप भी और दूसरों की नजर में अपनी कदर बढ़ाना भी सीखिए। दूसरा आपको इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहा है और आप कंट्रोल हो रहे हो, तो इसका मतलब तो ये चीज है कि आप खुद से अपनी वैल्यू दूसरे की नजरों में खुद बढ़ा रहे हो। जिस दिन आप इस एनर्जी से निकले, सामने वाले पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ गई, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, तो इसी एनर्जी में आपको रहना है। एप्रिशिएट जरूर करना है, ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। जो सिचुएशन हुई है ना, उस मामले में भी आपको ग्रेटिट्यूड देना है अपने आप को, यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को, कि आपने ये सिचुएशन लाकर मुझे अपने लिए खड़ा होना सिखाया, मुझे अपनी कदर करना सिखाया। इस चीज के प्रति आपको एप्रिशिएट करना है, ग्रेटिट्यूड देना है। स्ट्रेटजीज के मामले में आपसे बोला जा रहा है अब ना दिमाग से काम करना है, इमोशन से नहीं, बेवकूफी से नहीं, स्ट्रेटजीज से काम करना है। किसी की भी बातों में तुरंत नहीं आ जाना है, जो पास्ट में आते रहे हो वो एनर्जीज में अब नहीं आना है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं, तो प्लीज बताइएगा जरूर और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।